गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 4 और दिनांक 12/7/2020। यहां पर हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो क्या है, यहां पर त्रिभुज के अंदर क्या टॉपिक है, यहाँ है सर्वांग समता। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रेंस। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंस। तो कॉन्ग्रेंस के कुछ रूल होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो उन रूल्स को यहाँ पर हमारे साथ में आज आप सीख लीजिए। चलिए इसके अंदर क्या रूल हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले रूल्स को जरूर ध्यान से पढ़ें कि रूल्स हमारे क्या हैं। तो सबसे पहले पहला रूल है SAS। एस मीन्स होता है साइड। एस मीन्स क्या है? साइड यानी कि भुजा। और ए मीन्स है एंगल यानी कि कौन। ये आपको पता होना चाहिए। ए मीन्स है एंगल और एस मीन्स साइड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कौन भुजा। हिंदी में अगर पढ़ें तो सर्वांग समता नियम यानी कि कॉन्ग्रेंस रूल क्या है। नंबर एक, दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो बराबर होंगी और उनके बीच का संगत कोण यानी कि उनके बीच के जो यानी कि जो सेंटर का कोण होगा, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के सेंटर का जो कोण होगा वो क्या होगा? समान होगा यानी कि इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा रूल है साइड साइड साइड। साइड 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 में क्या होगा यानी कि तीनों साइड क्या होंगी? वो सर्वांगसम होंगी। सर्वांगसम में क्या होते हैं यानी कि तीनों साइड्स इक्वल होंगी एक दूसरे के। त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो इक्वल होंगी। त्रिभुजों में सर्वांग समता का नियम क्या है? ASA, ASA एंगल साइड एंगल। सर्वांग समता यानी कि जो एंगल है वो और दोनों एंगलों के बीच के जो साइड है वो बराबर होगी। दो त्रिभुजों में दो संगत कोण और उनके बीच की एक संगत भुजा समान होगी यानी कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर होंगे और उनके बीच का जो साइड होगी वो बराबर होगी। RHS, RHS में क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनस और वन साइड। सर्वांग समता नियम। तो यहां पर राइट एंगल होगा, हाइपोटेनस और एक साइड यानी कि RHS। तो यहां राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हाइपोटेनस यानी कि जो दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण जो है बराबर होगा और अन्य एक संगत भुजा समान होगी। समकोण होगा, कर्ण जो है वो बराबर होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कर्ण दोनों के, और एक कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर हो सकती है। ठीक है जी। आगे है मध्य बिंदु परिमेय। मध्य बिंदु परिमेय क्या होती है? ए बी सी में ई और एफ भुजाएं हैं। ए बी सी डी डी ये त्रिभुज है, इसके अंदर ई और एफ मध्य बिंदु हैं इन लाइनों के। ए बी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, तब ई एफ जो है वो समानांतर होगी बी सी की। ई एफ जो है ये वाली लाइन इसके समानांतर है यानी कि पैरेलल है। क्या है? समानांतर कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। ये पैरेलल है। और एक बात और, ये जो बी सी होगी, ये जो BC होगी इसकी ये आधी होगी। अगर ये एक होगी तो ये दो होगी, अगर ये दो होगी तो ये चार होगी यानी कि डबल होगी। अगर ये इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी लंबाई पूछी जाए तो ये यानी कि इसकी आधी होगी। तो ये चीज याद रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको अच्छी तरीके से आनी भी चाहिए। और इनको समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लें इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे हम यहाँ पर अब आपको बताते हैं अगले पॉइंट्स हैं हमारे। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। सबसे यानी कि जो समकोण त्रिभुज होता है जिसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है यानी कि 90 का कोण होता है, तो इसमें इसके सामने 90 के जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा बड़ी होगी। 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी? इसमें सबसे बड़ी होगी। त्रिभुज पी क्यू आर में पीटी माध्यिका है। पीटी क्या है? माध्यिका। माध्यिका क्या होती है अभी हम आपको बताएंगे। तब क्यू टी आर टी बराबर होंगी। क्यू टी और आर टी क्या है? ये दोनों के दोनों यहां से यहां तक की लंबाई बराबर होगी, अर्थात बिंदु टी भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है।
मैं आपको माध्यिका के बारे में बता देता हूँ। अभी आपको माध्यिका या मध्य बिंदु यानी कि इस लाइन का मध्य बिंदु क्या लिया, टी लिया। क्यू आर लाइन का मध्य बिंदु क्या है, टी। और हमने दूसरा जो अदर पॉइंट रह गया तीसरा, उससे अगर इसको मिलाते हैं उस शीर्ष से यानी कि पी शीर्ष से अगर हम इस टी को मिलाएंगे, मिलाने पर जो ये लाइन होती है, ये लाइन ये कहलाएगी माध्यिका। ये क्या कहलाती है, माध्यिका। यानी कि सामने वाली लाइन के मध्य बिंदु को उसके शीर्ष से मिलाने पर जो लाइन बनती है वो कहलाती है माध्यिका। और इसकी एक खासियत होती है, क्या होती है, तो यहाँ पर देख लीजिए, किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है, बांटती है। दो बराबर समान क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान होगा यानी कि बराबर होगा। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि पीटी माध्यिका है, पीटी अगर माध्यिका है तो यहाँ पर एरिया त्रिभुज पी क्यू टी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि पी आर टी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट्स क्या हैं इसके, तो वो पॉइंट्स हम आगे पढ़ लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, दो आकृतियों आकृतियां सर्वांगसम हैं, दो आकृतियां यानी कि दो फिगर जो दी हुई हैं वो दोनों सर्वांगसम होंगी, कॉन्ग्रेंस होंगी यदि उनका आकार और माप समान हैं। उनके आकार समान हैं और जो उनकी जो मेजरमेंट है वो समान है तो वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे यानी कि कॉन्ग्रेंस होंगे। दूसरा, किसी त्रिभुज में समान कोणों की यानी कि समान कोण दिए हुए हैं कि सम्मुख भुजाएं यानी कि समान कोण है और उनके सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर दे रखी हैं, समान हैं होती हैं, क्या होती हैं यानी कि जो कोण बराबर हैं तो उनकी जो सामने की जो भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगला, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं यानी कि जो जिनकी भुजाएं बराबर हैं और उनके जो सामने के कोण होंगे वो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा के लंब या हम 1/2 बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, 1/2 आधार गुणा की ऊंचाई, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस को बी और हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम इनको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने सीख लिया। तो चलिए आगे हम यहाँ पर और सवाल दिए हुए हैं उन सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे लिए, समय प्रयास कीजिए में, नंबर एक, सर्वांगसम आकृति समान और समान की होती है यानी कि जो उसके समान कोण और समान कोण होंगे और समान भुजाएं, ठीक है। सर्वांगसम आकृति समान कोण और समान भुजाएं की होती है यानी कि समान कोण होंगे और समान भुजाएं उसके अंदर होती हैं। दूसरा है यहाँ पर, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू 3 है, पी आर 5 है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर है, तो दर्शाइए कि ये बराबर हैं। तो मीन्स यहाँ पर पी क्यू कितना है, 3। तो यहाँ पर आगे हम रख लेते हैं, तो पी क्यू की जगह 3 और उसका स्क्वायर जमा के क्यू आर कितना है, क्यू आर 4 है, तो 4 का स्क्वायर। अब हम इसको निकालते हैं, सबसे पहले इसको अगर हम निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर अगर करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 16 होता है। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 25 होता है। और जब हमें जबकि हमें पता है कि 5 का स्क्वायर अगर हम इस साइड को लेते हैं, पी आर का स्क्वायर लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो यानी कि दोनों साइड जो है 25-25 हमारी आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारी क्या है, ये इस जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है इसको सेटिस्फाई करती है, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। अगला तीसरा पॉइंट है, दी गई आकृति में ई ई जो है एक्स वाई जो लाइन है इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट मध्य बिंदु मिड पॉइंट। ई एफ समानांतर है वाई जेड के, और जो ये ई एफ लाइन है ये इस वाई जेड के समानांतर है, पैरेलल दी हुई है। अगर ये पैरेलल है तो ये क्या करती है, जो सामने वाली जो भुजा होती है ये एक्स जेड लाइन जो है
इसको ये क्या करेगी, यानी कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो यानी कि F क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। F क्या होगा, ये भी मध्य बिंदु ही होगा, क्या होगा, मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पर एक्स जेड की लंबाई 7 दे रखी है, एक्स जेड की लंबाई 7 दे रखी है, तो एक्स एफ की लंबाई क्या होगी, तो एक्स एफ की लंबाई के लिए यानी कि एक्स जेड का आधा, एक्स जेड का आधा, एक्स जेड कितना है 7, तो 7/2 के हैं, या फिर हम इसको 3.5 भी कह सकते हैं। तो हो गया, आगे समझ में। आगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, माध्यिका को परिभाषित कीजिए। जैसा कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि माध्यिका किसे कहते हैं, यानी कि किसी भुजा का मध्य बिंदु को दूसरे शीर्ष से अगर मिलाते हैं, जो अदर जो शीर्ष बच गया उस शीर्ष से अगर मिलाते हैं, तो वो लाइन जो बनती है उसको कहते हैं माध्यिका। ठीक है जी। आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों और हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। यहाँ पर पिक्चर भी आपको दर्शा रखी है, तो सभी बच्चे इसका अवश्य पालन करते रहें और अपनी फैमिली को भी इसका पालन करने के लिए कहें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के साथ साथ में मिलती रहे। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।